राज्य स्तरीय सुनील मेले की तैयारियों को लेकर सोलन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की। इस दौरान स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल और उपायुक्त सोलन विनोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। सुनील मेले को लेकर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव पेश किए ताकि मेले को और बेहतर और व्यवस्थित किया जा सके। राज्य स्तरीय शूलनी मेले की तैयारियों को लेकर सोलन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की। इस दौरान स्थानीय विधायक धनराम शांडिल और डीसी सोलन विनोद कुमार भी मौजूद रहे। शूलनी मेले को लेकर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव पेश किए ताकि मेले को और बेहतर और व्यवस्थित किया जा सके। इस मौके पर एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में शूलनी मेले के दौरान करीब 31 लाख खर्च किए गए थे और 2018 में मात्र 21 लाख सांस्कृतिक संध्या पर खर्च किए गए थे। मेला जो है वो ये हमारे जिले का प्रमुख मेला है और आकर्षण का केंद्र है पूरे प्रदेश के लिए, और मेला ठीक प्रकार से संपन्न हो, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक प्रकार से रहें, इस हेतु जो है आज यहाँ बैठक जो है उसका आयोजन हुआ था। और 2018 में भी मेला जो है वो ठीक प्रकार से संपन्न हुआ, इस वर्ष भी मेला ठीक प्रकार से संपन्न हो, लोगों को कोई समस्या किसी भी प्रकार की ना हो, लोगों को माँ शूलिनी का पूरा आशीर्वाद मिले और उनके दर्शन में किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक प्रकार से रहें, चाहे वो भोजन की व्यवस्था है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चाहे वो यातायात संबंधी समस्या है, यानी सब प्रकार से ये मेला जो है सफल मेला हो, इसको सफल बनाने के लिए सभी उपायों के ऊपर जो है आज विस्तार से चर्चा हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी भव्यता को प्राप्त करे और जो हमारा मुख्य आकर्षण होता है कुश्ती, वो भी ठीक प्रकार से सम्पन्न हो और उसमें भी आधुनिक और पुरातन उसका समावेश जो है वो दिखाई दे। आधुनिक जो है वो मैट पर, क्योंकि कुश्ती लड़े जाने का अब नए हमारे जो उदयमान जो पहलवान है वो मैट पर कुश्ती लड़ना पसंद करते हैं, पुराने पहलवान जो हैं वो अखाड़े में मिट्टी में जो है कुश्ती लड़ना पसंद करते हैं, तो दोनों को स्थान मिले। इन गाय जो हमारी जो देशी नस्ल की जो गाय है और उसका महत्व जो है वो लोग पहचाने, और इसके लिए जो है वो विभाग जो है वो पशुपालन विभाग एक प्रदर्शनी अलग से लगाएगा जिसमें गायों को प्रदर्शित भी किया जाएगा और उनके दूध की जो गुणवत्ता है, गोमूत्र की जो गुणवत्ता है, गोबर की जो गुणवत्ता है और उसका जो औषधीय महत्व है और स्वास्थ्य के लिए जो उसका अनुपम जो एक योगदान है उसके ऊपर भी जो है वो प्रकाश डाला जाएगा, ताकि लोग जो हैं सामान्य लोग जो हैं पशुपालन, क्योंकि हमारे पूरे इस जिले के अंदर जो है वो ठीक प्रकार से होता है, लोग देशी गाय के महत्व को पहचानें और अपने कदम जो हैं देशी गाय को पालने की ओर जो है अपने घर में लाना, उसको पालना, उसका संवर्धन करना, उस ओर जो है हमारे कृषकों के कदम बढ़ें, ये इसका हेतु है। शास्त्रीय गायन, हमारा जो फोक म्यूज़िक है, जो हमारा लाइट म्यूज़िक है और जो हमारा डिवोशनल म्यूज़िक है, यानी इन सब विधाओं से संबंध रखने वाले उत्कृष्ट कलाकारों को मंच पर स्थान मिले, इसके लिए प्रयास हो। वहीं सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार शूलनी मेले को और व्यवस्थित और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मेले में जहां एक और बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाया जाएगा, वहीं स्थानीय कलाकारों को भी मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार कुश्ती आयोजित की जाएगी ताकि लोगों का बेहतरीन कुश्ती देखने का मौका मिल सके। उन्होंने बताया कि इस बार शूलनी मेले में देसी गायों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी ताकि किसान उनकी महत्ता को पहचाने और उन्हें पालने के लिए प्रोत्साहित हों।